किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के त्यागी वैज्ञानिक उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको प्याज और लहसुन में कंद के उचित विकास हेतु एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरह से आप खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करें ताकि आपका लहसुन प्याज के कंद का विकास अच्छा हो और आपको लहसुन प्याज से अधिक उत्पादन मिले। किसान भाइयों, प्याज और लहसुन में अच्छी उपज के लिए खाद एवं उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। सामान्यतः प्याज और लहसुन के लिए 100 क्विंटल पकुई गोबर की खाद प्लस 2 किलोग्राम है जो इस प्रलम प्रति एकड़ प्लस 2 किलोग्राम पीएसबी कल्चर प्रति एकड़ खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरकों में किसान भाइयों, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 50 किलोग्राम डीएपी प्लस 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास ये भी खेत के अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ ये भी खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। इसके बाद आप प्याज की रोपाई कर दें और लहसुन की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, यूरिया का उपयोग हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना है तो प्याज की रोपाई के 30 दिन बाद और 45 दिन बाद, इसी तरह लहसुन की बुआई के 30 दिन बाद और 45 दिन बाद 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़, दोनों बार में हमें 35-35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ देना है। इसके बाद किसान भाइयों, लहसुन और प्याज में कंद के उचित विकास अच्छे विकास के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक 19-19-19 एक किलोग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर प्याज की रोपाई के और लहसुन की बुआई के 30 दिन बाद, 45 दिन बाद और 60 दिन बाद पत्तियों पर छिड़काव करें। इसके बाद किसान भाइयों, 13-0-45 ये भी पानी में घुलनशील उर्वरक है, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर प्याज की रोपाई और लहसुन की बुआई के 75 दिन बाद, 90 दिन बाद और 105 दिन बाद पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो लहसुन और प्याज का कंद का विकास अच्छा होगा और आपको लहसुन प्याज से भरपूर उपज मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खेती तथा खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अभी एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें और खेती से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।